आप ये बात है तो इसको नहीं मानते तो और तरह से मान ले, कोई बात नहीं, आपका इलाका है, आप मुल्क भी आपका है, सारे आप सदर बन लेकिन जाओ मामला भाई। तय हो जाएंगे सारे। हमारे तो लिए तो ये गुंजाइश है ना कि हमारे यहाँ तो एक पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान से आया हुआ एक आदमी जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ का सदर बन गया, तो आप तो यहाँ के हैं भाई, आप भी बन जाएंगे सदर, नहीं, बनना वो है तकसीम से पहले का हिंदुस्तान था, उसके बाद तो भाई। जो भी बात हो जाए, ये हाँ बहस नहीं है अब। जी जी देखिए सुषमा स्वराज ये भी तो मैंने लाहौर शरणार्थी है, लाहौरी लाहौरन जी है, तो अब अगर ये लोग आप भी बन जाएंगे, आप क्यों खामखा यानी बगावत करते बिल्कुल हैं, ठीक है। आप भी कल सदर बन जाएंगे। आप कल भी आप आपका बैठा है ना वो जो बलोच बैठा, अब्दुल कादर बलोच, कितना अहम वजीर बना बैठा है, जी तो जी आप क्यों अपना मौके गंवा रहे जी आ जाए मिर्जा साहब, आखिरी मौजू पे जिस पे आप काफी बात कर रहे हैं, लेकिन अब 3 मिनट रह गए और इमरान भाई। खान साहब तीन की मिनट बहुत है हमारे 10 मिनट लिए। की मुलाकात में क्या क्या बातें हो सकती हैं, नहीं क्रिकेट पे तो नहीं ज्यादा भाई हुई। देख, तो बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने उनको किस वजह से बुलाया, इसलिए बुलाया है कि जिस वक्त सारे दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी के ऊपर थू थू हो रही थी, जी उस वक्त इमरान खान साहब उनकी तारीफ में उनकी ये बात कर रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था कि पाकिस्तान जब बनेगा तो इस तरह के हालात होंगे, इस तरह के होंगे, करप्शन होंगे, टूट फूट होगी। ये बात उनको जेब नहीं देती थी कि वो ये बात कहें। और मैं दावत देता हूं आपको तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कुछ कुछ ख्याल करें, उनको बताएं कि आप इस किस्म की बातें करते हैं, कुछ आपको ख्याल करना चाहिए पाकिस्तान का, कि जब सारी दुनिया उसको थू थू कर रही है मोदी पर, आप उसके उसके इंडिया की हिमायत में और पाकिस्तान मैंने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे मिर्जा हैं साहब साबिक वजीर खाजा उनके साथ थे, शाह भाई। महमूद जो भी कुरैशी साहब। देखे ना, फिर चलो ये तो एक अच्छी अलामत हुई, वरना उसको कोई भाई नेता अकेले मिलने चला जाता, वहां पर कोई बातें कराता तो फिर तो बड़े शक की निगाह देखा जाता ना। तो अभी भी मैं कुछ ज्यादा इस बात को अच्छी महसूस नहीं करता हूँ कि ये जिस अंदाज से गए हैं वहां पर, यानी एक उन्होंने बुलाया, आ रही है मैंने कच्चे धागे से बंधे मेरे सरकार चले आते हैं, नहीं जाना चाहिए था ना जो जो हालात है। तो खैर अब चलो चले गए हैं, अब बातें, लेकिन ये बात कोई अच्छी नहीं है कि आप ये इस तरह की बातें करने लगे हैं कि सब जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया मोदी को बैशिंग कर रही थी, उसकी वजह वो ये उस वक्त आप पाकिस्तान बैशिंग पे आ गए, पीटीआई ये आपको कह शर्म करें कुछ तो पीटीआई का ये कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान में जैसे मकबूल है तो भारत में ही मकबूल है जी। मकबूल तो एज ए बहुत है, लेकिन क्रिकेटर। अब आप वहां पर क्या बातें हुई, मैं आप बताएं आप क्रिकेट की क्या, बातें हो रही हैं तो भाई सारी, आप क्रिकेट के आदमी हैं, इससे ज्यादा आपकी हैसियत है नहीं। यानी लीडरी छोड़े वही लीडी क्रिकेट छोड़े, क्रिकेट क्रिकेट करें तो क्रिकेट को हमारे संभाल दें, कोचिंग वोचिंग अच्छा करें। अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर देंगे। अच्छा कोचिंग पे आ जाएं, अब भाई उसको वो बना रहे थे ना जो लेकिन उनका जो चैरिटी काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसको भी देने चाहिए और क्रिकेट भी देने चाहिए। क्रिकेट उनका जब बोलते हैं उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, यानी जिस वक्त वो क्रिकेट पे बोलते हैं तो यानी बहुत अच्छी बातें ये करते बात हैं। है तो चलो बात करके देख। अब ये बताइए इमरान खान साहब का जो आपने अभी कहा इस दौरे से, वो जो कानाफूसी का इल्जाम दिया था उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे कि कानाफूसी की, तो अभी इन्होंने तो जाके साफ 10 मिनट तक बात की है, मुजाकरात किए। अब अब दस बताओ मिनट ये में दस दस मिनट मिनट दस को मिनट क्या होते हैं? लेकिन वो बात ये और आई जब कि हम जाते हैं वजीर आजम से मिलने के लिए तो हम भी 20 मिनट से कम तो नहीं मिलते हैं, हम तो इमरान खान भी नहीं है। तो अब बताइए वजीर आजम से, अपने ऐसा वजीर आजम मिलने बस से, दस और सेकंड ये लगेंगे। वहाँ इंडिया के वजीर आजम मिलने 10 मिनट के लिए, अब शर्म करें ठीक है मेरे साहब। आप।